हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक शलगम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ शलगम की रेसिपी जो शेयर की है, आप लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शलगम की। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं शलगम की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में तेल, और तेल को हम कर लेंगे गरम। और शलगम को इस तरह से मैंने छील कर धो लिया है और इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, और इन्हें अब हमें शैलो फ्राई करना है। फ्रेंड, शलगम हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको शलगम नहीं अच्छे लगते तो इस रेसिपी से आपको डेफिनेटली ये अच्छे लगने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें फ्राई कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में, और सेम ऑयल ही इनफ है सब्जी बनाने के लिए। तो उसी तेल में मैंने यहाँ पर दो बड़े प्याज ले लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है, और इन्हें डालकर हम हल्का सा भूनेंगे। प्याज हल्का सा भुनेगा, और इसके साथ में ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा चम्मच अदरक बारीक कटी हुई। इन्हें भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। जब ये अच्छे से भून जाएंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले हल्दी डाली है, लाल मिर्च ऐड की है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और नमक ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिला लेंगे। जब हम मसाले ऐड करते हैं तो हमें फ्लेम को लो रखना चाहिए, वरना जो मसाले होते हैं उनके जलने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च ले ली है कटी हुई, उन्हें भी मिला लिया है, इन्हें भी हम भून लेंगे। यहाँ पर मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर आधा कप मटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हरे मटर जो फ्रेश वाले होते हैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास फ्रोज़न हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें मिला लेंगे, और हम इसे हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद मटर को ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी, और उसे मिलाएंगे, और इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने इसे 30 सेकंड के लिए भूना हिलाते हुए, और अब मैं इन्हें फ्लेम लो करके ढक कर पका लूँगी, ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं, और ऑयल भी एकदम सेपरेट हो चुका है, और इसे हम एक बार फिर से मिलाएंगे। इसी स्टेज पर हमें इसमें शलगम को ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत इजी है बनानी, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए इनको भून लिया है। पानी हम 2 मिनट के बाद ही ऐड करेंगे, पहले हम इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे शलगम मटर वगैरह को एक साथ। और अब मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। ग्रेवी मसाला जो भी है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, और अगर आपको कम चाहिए तो आप कम पानी ऐड कीजिए। तो इसे अब एक बॉयल दिलवाएंगे, और इसके बाद इसे ढककर हमें इसे 5 मिनट के लिए पका लेना है, या जब तक जो शलगम है मटर है अच्छे से गल ना जाए। मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट पका लिया, और बीच में 1-2 बार इसे हिला लिया था। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो शलगम है वो गल चुके हैं या नहीं, क्योंकि इन्हें हमने फ्राई भी किया था ना, तो थोड़ा जल्दी पक जाते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो अब फाइनली मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला का, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे।
और फ्रेंड्स ये शलगम मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे तवे की रोटी के साथ। तवे की रोटी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।